इस वीडियो में हम नोड जेएस में MySQL डिलीट सीखेंगे कि रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं और द रिजल्ट ऑब्जेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे MySQL और अपाचे। उसके बाद फिर यहाँ पर NPM इंस्टॉल कर देंगे। हम यहाँ पर MySQL इंस्टॉल करेंगे, NPM इंस्टॉल MySQL इंटर करेंगे और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ सेकंड में। इंस्टॉल हो गए, एक फोल्डर बन गया हमारा नोड मॉड्यूल और JSON फाइल का। उसके बाद फिर हम यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख देंगे। तो हमने MySQL लिख दिया यहाँ पर और कनेक्ट कर दिया यहाँ पर MySQL क्रिएट कनेक्शन, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नाम लिख दिया हमने। डाटाबेस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, डाटाबेस का नाम न्यू हमने यहाँ पर लिख दिया न्यू। और कनेक्शन फंक्शन इफ एरर थ्रो एरर और डिलीट ऑल कस्टमर विथ द एड्रेस, जो हम एड्रेस का नाम लिखेंगे उसको डिलीट कर देगा ये वेरिएबल लिए SQL डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस मुंबई, तो मुंबई को ये डिलीट कर देगा। कॉन क्वेरी SQL फंक्शन एरर रिजल्ट इफ एरर थ्रो एरर और कंसोल डॉट लॉग में हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट और रिजल्ट अफेक्टेड रो सेव कर दिया हमने इसको यहाँ पर। और यहाँ पर हम प्रोग्राम रन कर देंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस और यहाँ पर हमने प्रोग्राम को रन कर दिया तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक डिलीट हो गया यहाँ पर।